अब बिना कोनो विलंब के चाहब जे बेनी पट्टी के लाल मिथिला के आन बान शान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हमर सब के अखन पाहुन एमएलसी श्री घनश्याम ठाकुर जी के हम सब सुनी जोरदार ताली से आमंत्रित करी मंच पर। आज बेनीपट्टी किसान भवन के सभागार में मिथिला पेंटिंग और मिस बेनीपट्टी प्रतियोगी परीक्षा के आयोजक केबीएस यानी आशुतोष जी और श्री लक्ष्मी प्रोडक्ट्स यानी बबलू जी के पुत्र इस समारोह में उपस्थित अठामक बेटा श्री पंकज जी सब इंस्पेक्टर दरभंगा में प्रस्थापित अठामक नेता और आदरणीय गुलाब शाह जी ऐ कार्यक्रम के आयोजन अपने आप में अचंभित करते आश्चर्यचकित करते बेनीपट्टी में ऐ तरह आयोजन के कल्पना अपने आप में कोई पद चिन्हों पर चलता है कोई पद चिन्ह बनाता है चाहे निश्चित रूप में भोला जी और बबलू जी यहां के दोनों बेटा आई एक पद चिन्ह बनाव के यात्रा प्रारंभ कर लगे बेनीपट्टी और मिथिलांचल के इतिहास में राष्ट्रीय स्तर पर प्रांतीय स्तर पर आई तरह का आयोजन हो चल है सुनई चलिए लेकिन ग्रामीण परिवेश में नेकरा हम गांव कह सके नहीं बेनीपट्टी के शहर कह सके शहर के दिशा में यात्रा करा वाला बेनीपट्टी के खन एक साल पूर्वो ने गलिया नगर पंचायत के शहर गांव में ग्रामीण परिवेश में एक तरह का आयोजन अपने आप में चमत्कार एक तरह की सोच और एक सोच के आधार पर एक तरह का आयोजन के नई के लिए आयोजक के हम उज्जवल भविष्य के कामना करे और उनका माता पिता के सेहो अपना दिस से अभिनंदन और वंदन करे जहां दोनों गोटा निश्चित रूप निक संतान के पैदा काका और एक नया दिशा दबा के यात्रा प्रारंभ यहाँ के दोनों बेटा के लगे तई अपने यहाँ के अभिनंदन और वंदन करे और हमारा उम्मीद और विश्वास है जो उद्घोषक बलराम जी छलाह एखन छथि अपने आप में से हो उद्घोषक के संगे संगे जानी बच्चा में पढ़ित रहे हमर मधुबापुर के प्रवास रहे तो अपना हाथ से माता सरस्वती जी के प्रतिमा मिलाकर प्राथमिक विद्यालय से सरस्वती माता के मूर्ति अपना हाथ से मिलाकर तहिना आई मंच पर जन उजाबै छथि अपना आवाज के माध्यम से हमरा सबके आनंद के अतिरिक्त संगीत के क्षेत्र में उद्घोषक के रूप में अय्या अगर वर्तमान में मधुबापुर सड़क जगह में दूदू में लगातार सरपंच के पद पर न्यायिक व्यवस्था में छत तो विभिन्न भूमिका में कुशलता पूर्वक और एक देखने आयब ललित ठाकुर जी के शिक्षक और विलक्षण प्रतिभा के धनी ओहो क्या पुस्तक लिखला है उनको सम्मान मिलना है और रही था अनुमंडल कार्यालय में से हो उन विद्यालय में शिक्षक अनुमंडल कार्यालय में से हो विभिन्न कार्य के गुरुतर जवाबदेही के निर्माण में लागल हमारा साथ बेनीपट्टी के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई श्री विमल कुमार झा जी से हो आयल आर एठम जो उपस्थित दोनों पंडित जी जापन वंदना से संस्कृत में जे वैदिक मंत्रोच्चारण से राहुल जी के साथी के नाम हमारा नहीं बुझलिए दोनों गोटा के स्वर आ सुनने हैं ये सनातनमय बात मनाब के लिए दोनों पंडित जी के सेहो हम अभिनंदन और वंदन करे
चूंकि हमारा अपनों आदरणीय अमित शाह जी के प्रोग्राम के लिए आगा कार्यक्रम लागल है, फिर जाके 4 बजे के समय चला 6:30 बज गए और तहिना सुंदर ध्वनि व्यवस्था के लिए ध्वनि विस्तारक के प्रबंधन छत उनका नाम हमरा मालूम नहीं है, लेकिन बहुत निक आ के आवाज है और पूरा सजावट जो है के ये हमरा नहीं बुझलिए, ताहि सुंदर आयोजन के सुंदर व्यवस्था चाहे स्वयं साउंड के माध्यम से चाहे साज सज्जा के माध्यम से अहाँ जे के निक प्रबंधन के लौं है ते के लिए अहाँ के अभिनंदन और वंदन। जे के श्रोता एकदम आयल छी वह काफी छी, जहाँ गांव गांव में जाकर श्रोता कम हो या बेसी हो संदेश जाके चाहिए कतौ से ले कतौ से शुरुआत होबाक चाहिए और भोला जी बबलू जी के लड़का दोनों मिलकर ये शुरुआत कल यात्रा के बहुत आगा तक यात्रा जते अतवा कहकर अहाँ सब गोटा के श्रोता के दर्शक के सब गोटा के प्रति आभार प्रकट करे तबरा मानी के विराम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।